सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप लोग देख ही सकते हो भाई, तुम्हारा भाई आ चुका है GTA की वीडियो लेके। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। GTA ऑनलाइन वर्ल्ड में, ठीक है, जिसको भी पता है भाई, जो भी खेलता है, तो भाई मैं बता दूंगा मेरा क्रू का नाम और उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाकी अभी मैं आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो फर्स्टली गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने एक्लिप्स टावर के घर पे। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक अपार्टमेंट ले रखा है, बिल्कुल 31 फ्लोर पे ले रखा है, ठीक है। और देख सकते हो भाई, ये एक नंबर की बिल्डिंग है। देखो भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। मेरे ख्याल से लॉस सैंटोस की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बढ़िया और सबसे महंगी बिल्डिंग है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। चाहता तुम्हारे भाई पे, यहाँ पे एक घर है और ये तुम्हारे भाई की गाड़ी है जो फुल्ली आर्मर्ड है, अभी नई नई खरीदी है, बस 500,000 की, समझ रहे हो। और ये लिखा एक्लिप्स टावर। तो अभी के लिए गाइज, मैंने अपनी गाड़ी अपने गैराज में ले ली है, ठीक है। और ये रहा मेरा गैराज, तो ये मेरा मेन गैराज है, यहाँ पे मेरी सारी मेन मेन कार्स रहती हैं, ठीक है। और ये जो बकवास सी गाड़ी दिखी थी तुम्हें पीछे, इसको इग्नोर मानना। तो ये देखो भाई, क्या टॉप टॉप की गाड़ी है, देख रहे हो, सनरूफ सब कुछ भाई, देख रहे हो, छत खुली हुई है, अपना खुला घूमो, बारिश वारिश का मौसम हो रहा है, अपना ले जाओ छत खुली गाड़ी को, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये देखो तुम्हारे भाई की रोल्स रॉयस क्लासिक कार, बिल्कुल, इसमें तुम्हारा भाई बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता है गाइस, ठीक है। ये अपनी एक हाइस्ट के लिए है, और ये अपनी सबसे हैवी कार, ये अपनी आर्मर्ड कार। और ये मैंने एक कोई बंदा जा रहा था तो उसने क्या करा, मेरी गाड़ी ठोक दी, तो मैंने उसकी गाड़ी धर के ले आया अंदर। भाई बिल्कुल 60 इंच का टीवी है भाई, समझ रहे हो, 60 इंच का। और ये देखो भाई, इसमें अपने टीवी वीवी देख लो, ये कैमरा भी चल जाता है इसमें। और बाकी यहाँ पे मेरा सारा सामान रखा है, गाड़ी वाड़ी अगर ख़राब हो जाती तो मैं मैकेनिक को बिल्कुल भी पैसे नहीं देता, तुम्हारा भाई खुद सही कर लेता। और यहाँ पे तुम्हारे भाई पे एक लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, एप्पल का है वो, यार अमीर ही बहुत है एक तो, ठीक है। और ये पीछे देख लो, यहाँ पे अपना गाड़ी उठा उठा के नीचे से कुछ तेल वेल लीक हो रहा तो वो देखने के लिए, पेच वेच कसने के लिए। ये सारी गाड़ियाँ हैं, पूरा गैराज भर रखा है ये वाला। और मेरे पे दो गैराज हैं, एक ही ये गैराज है और एक और गैराज है जो कि एयरपोर्ट के पास में, समझ रहे हो, एयरपोर्ट के पास में भी ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को ऊपर वाले फ्लोर पे जाके दिखाता हूँ पहले। तो अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ गाइस, ये है मेरा अपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये रहा मेन गेट, यहाँ से अपना कुछ भी देख लो, कोई बाहर से आ रहा है, कोई चोर चकार आ रहा, तो भाई साहब गेट मत खोलो, या फिर गेट खोलो और धुड़ा धुड़ पेल दो उसे। तो ये पहला कमरा है, ये पहला कमरा है मेरा हाइस्ट का कमरा, इसमें मैं सारी हाइस्ट प्लानिंग करता हूँ। इसमें तुम्हारे भाई पे एक एप्पल का लैपटॉप रखा और एक अल्टीमेट गेमिंग PC, मतलब कि ये बीस्ट PC है। और यहाँ पे सारे आर्मर रखे हैं, ये देख रहे हो, गोली गोली सब कुछ, यहाँ पे पूरा मैप वैप सारे लग रहे हैं। और यहाँ पे स्पीकर है, तुम्हारा भाई कभी कभी गाने भी सुनने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूम है पूरा, पेंटिंग्स भी लग रही है, तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौकीन है, बहुत बड़ा, सौरभ जोशी भैया ने भी यहाँ पे आके पेंटिंग बनाई थी 3-4, ठीक है। तो यहाँ से नीचे को उतरेंगे हल्का सा, तो यहाँ पे पहले आ जाता है एक काउच, मतलब कि ये अपना रेस्ट एरिया है, थोड़ा बहुत हुक्का हुक्का भी रखा है यहाँ पे, पीना हो तो अपना मौज ले लो। ये बॉनफायर लग रही है, ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। यहाँ पे है करेले का जूस, ये मैंने एक काम वाली रख रखी है, वो बना के चली जाती है हमारे लिए, तो कोई ना एक गिलास जूस पी लेते हैं, यार ये बहुत कड़वा होता है। और ये मैंने पी लिया भाई, किचन है अटैच और फ्रिज व्रिज देख रहे हो, मतलब कि डबल डोर फ्रिज है, ठीक है। यहाँ से पूरा पहले यहाँ से डाइनिंग एरिया और यहाँ से पूरा व्यू है। ये है गाइस इस बिल्डिंग का जो सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे महंगी बिल्डिंग, ऊंची तो नहीं है पर जो सबसे महंगा है इसके लिए ही है, इसके व्यू के लिए है सबसे महंगा ये वाली बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ से टेलीस्कोप है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रात को अपना मस्त तारे वारे चांद सूरज सब कुछ दिखता है, ठीक है। यहाँ से देख लो भाई, कोई चोरी कर रहा है नीचे, जाओ यहाँ से देखो और सीधा शीशा फोड़ के सीधा पार उसके मुंह पे कूदो। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। देखना हो तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने 60 इंच का टीवी लगवा रखा है भाई, फुल अमीरी आ रखी है, ठीक है। ये अपना काउच हो गया, यहाँ पे अपना थोड़ा सा मजे के लिए एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं नीचे, तो यहाँ से नीचे जाने में पहले तो भाई तुम्हारे भाई ने बहुत सारी पेंटिंग्स लगवा रखी हैं, ठीक है। और यहाँ से भी एक पेंटिंग आ गई, तो चलो अब यहाँ से सीधा चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अपना बैठने के लिए, यहाँ से व्यू एंजॉय कर लो पीछे रात को अपना। एक सीक्रेट गेट है जो खुलता नहीं है कभी भी, ठीक है, खुलता ही नहीं है, मतलब कि ये अपना मास्टर बेडरूम आ गया तुम्हारे भाई का। तो और बगल में अपना थोड़ा सा स्टडी टेबल, जैसे अपना हाइस्ट वाइस्ट का प्लान मैं कमरे में भी बैठ के कर लेता हूँ। ये अपना पूरा वार्डरोब आ गया, इतना बड़ा वार्डरोब है तुम्हारे भाई का, पर तुम्हारा भाई तो यार वाइट कोट में ही बढ़िया लगता है, ठीक है। और सामने वाला रूम जो है, यहाँ पे एक बेंच लग रही है पेंट के साथ, ये वाला रूम है अपना बाथरूम, ठीक है। इसमें सारा वो चलता रहता है, एक नंबर दो नंबर नहाना धोना, ठीक है।
सबको पता ही है भाई क्या चलता है। ठीक, अब यहाँ से निकल लेते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना गैराज। तो अब मैं सीधा, पहले तो एक मिनट रुक जाओ, बाहर चलता हूँ और अब मैं लेके जाऊँगा अपनी रॉयल कार रोल्स रॉयस। तो ये रही गाइस अपनी चीता वाली उसमें लिवरी में अपनी रोल्स रॉयस। तो यहाँ से सीधा चलते हैं, ये रहा, हाँ ये अपना मेन गैराज है गाइस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मेरी गाड़ियाँ रह सकती हैं, यहाँ पे कम से कम 10 गाड़ियों का स्पेस है। ठीक, तो अब मैं सीधा गैराज पे लेके चलता हूँ आप लोगों को और अपनी रोल्स रॉयस को यहाँ से सीधा भगाता हूँ। भाई मेरी ड्राइविंग पे तो क्या ही बोलना भाई, एक नंबर की ड्राइविंग है तुम्हारे भाई की। चुप, बिल्कुल चुप। भाई सब उड़ती है, मतलब कि उड़ती रोल्स रॉयस रखे स्पेसशिप। तो चलो गाइस यार, मैं अपनी रोल्स रॉयस को उड़ाता और देख लो भाई आगे पीछे के बम्पर बम्पर पूरी गाड़ी मैंने बजा दी। चलो कोई ना, वो तो अब गैराज में घुसा देते हैं। तो GT का एक ग्लिच है मेरे ख्याल से, या फिर ये GT वालों ने खुद नहीं कराया कि क्या होता गाड़ी अपनी रिपेयर हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, मैं इसका कलेक्शन बढ़ाऊँगा। अब धीरे धीरे मैं नई नई गाड़ियाँ खरीदूँगा, उसका कलेक्शन का वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो ये अपनी आ जाती है चीता लिवरी वाली, इसको तो मैं ले जाऊँगा। ये अपनी थोड़ी बहुत भाई सारी ये गाड़ियाँ फ्री में है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी बाइक गाड़ी जितनी भी है फ्री में। मैं गरीब हूँ भाई, कहना वो मतलब कि वो तो भाई हाफ मिलियन की, और भाई वो बाइक मतलब कि उसमें 2 मिलियन तक की मॉडिफिकेशन हो जाती है गाइस। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा भाई, 2 मिलियन तक की मॉडिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद इससे फास्टेस्ट बाइक कोई सी भी नहीं रहती पूरे GTA में। ठीक है, तो पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी ये बिल्कुल कोहरी बाइक है, इसमें अभी कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। इसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए हमको एरेना में जाना पड़ेगा, और एरेना में जाने के बाद हमको अपना एक गैराज खरीदना पड़ेगा, जो कि भाई मिलियन से ऊपर तो गैराज ही पड़ जाएगा अपने को। तो ये मतलब कि मोटी पार्टी वाली है। तो अभी हम जब जॉब करेंगे, अपना पैसे वैसे कमाएंगे, जब अपना क्या बोलते हैं इस बाइक को मॉडिफाई करवा सकते हैं हम लोग, क्योंकि भाई 1 मिलियन का अपना गैराज समझ लो, 1 मिलियन की मॉडिफिकेशन समझ लो। ठीक है, कम से कम 1 मिलियन की मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी जब जाके बाइक अपनी फास्टेस्ट बाइक में बदली जाएगी। ठीक है, और अभी यहाँ से मैं सीधा सीधा निकल लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए अपना वर्क वाला गैराज, मतलब कि जहाँ पर मैं चोरियाँ करके अपना जो मेरे पे एक एसोसिएट है, मेरी बिल्डिंग है पूरी मेज बैंक में, तुम्हारा भाई का ऑफिस है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया तुम्हारे भाई का है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करो। और पीछे थोड़ी सी मैंने पार्किंग किराए पे दे रखी है, 2000 रुपये पर मंथ तुम्हारा भाई लेता है इससे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अलग अलग जगह से स्टॉक्स लेके आता हूँ और पैसे, मतलब कि देख रहे हो ये सारे चांदी के नो वो हैं, ईट हैं और फुल सिक्के विक्के हैं। तो तुम्हारा भाई फुल रॉकी भाई वाले रास्ते पे ही जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, अपना उनका सोने का काम चल, तुम्हारा भाई चांदी में काम करता है, मतलब कि समझ रहे हो। 2 साल में पूरा लॉस सेंटोस खाली कर दूंगा चांदी ढूंढ के। तो ये देख लो गाइस, ये लैपटॉप यहाँ पे भी एप्पल का है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे है तुम्हारे भाई पे। ठीक क्या, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्रिएट्स खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। अभी के लिए मैं CEO बन चुका हूँ, मेरी एसोसिएट का नाम है गुज्जर एसोसिएट। ठीक है, किसी को भी ज्वाइन करना हो क्र्यू, तो भाई मैंने अभी तक क्र्यू नहीं बनाई, तो तुम्हारी क्र्यू में मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अगर हम करें तो करें, क्या बोलें तो बोलें क्या। ठीक है, तो अब मैं निकलता हूँ अपने सीधा एसोसिएट के ऑफिस में, मेज बैंक बिल्डिंग में है जो। ठीक है, तो भाई यार ये बाइक एक तो इतनी फास्ट है, मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा, और जब भाई इसके मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो ये तो और फास्ट हो जाएगी। तो तुम्हारा भाई आ चुका है अपने ऑफिस पर, और तुम्हारे भाई की बिल्डिंग देख रहे हो क्या टॉप है भाई, और 25th फ्लोर पर अपना ऑफिस आ जाता है। ठीक है, तो ये देख लो ऑफिस है, यहाँ से ये अपना मैनेजर बैठा रखी है। ठीक है, ये अपना गेट है जो कि खुलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाथ में मारते रहो तो कुछ नहीं होता, ये भी एक गेट है जो खुलता नहीं है। ठीक, तो ये लिफ्ट का मेंटेनेंस का रूम है ये सारे। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने फुल मतलब कि समझ रहे हो बार खोल रखा है एक छोटा सा, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा शौकीन है। यहाँ पे आ जाता है अपना मैक का एप्पल ऐप हो रहा है भैया, तुमसे ना हो पाएगा। चलो कोई ना, यहाँ से अपना सारा मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करता हूँ। ये पूरा लॉस सैंटोस का 3D मैप है। ठीक है, मतलब कि और यहाँ पे मेरे सारे बंदे बैठते हैं, काम करते हैं, पैसे वैसे देख रहे हो फुल रखे हैं, ये पैसे गिनने की नोट गिनने की मशीन है। ठीक है, ये अपना एसोसिएट पूरा है इतना। यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी से, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या, पहले यहाँ से निकल लेता हूँ एक बार। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अब मैं सीधा निकलूँगा नीचे, फिर अपनी रोल्स रॉयस उठाते हैं और फिर से उसको खचेड़ते हैं। भाई एक तो उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीने लग गई है, एक तो मोदी सरकार से बात करके ना हमको पेट्रोल के रेट घटवाने पड़ेंगे गाइज। ठीक है, कोई ना, अब उसको उस टॉपिक को साइड में धर दिया जाए,
धर के फेंकेंगे। और अभी यहाँ आ चुका हूँ। और ये कौन सा मिशन चालू हो गया भैया, टारगेट वारगेट मारने का? कोई ना गाइस, मैंने मिशन नहीं करा। अभी मैं आ चुका हूँ अपनी रॉल्स उठा के। मतलब कि यार ये टाइगर वाले में तो मैं कभी पहाड़ों में लेके जाऊँगा तो लेपर्ड इसके बगल में तो दिखेगा ही नहीं भाई। पत्थर है बस, अब तुम देखना जादू। यहाँ पे गाड़ी ये देख रहे हो भाई, फुल अमीरों वाली बातचीत भाई। ये पूरा खुल जाता है गेट, इससे मैं ट्रक, टम्पू, ट्रैक्टर, जिप्सी कुछ भी बाड़ दो भाई, ये पूरा इतना बड़ा गेट है, इसमें 10-10 हाथी एक बार में घुस जाएंगे भाई। इस गेट पे चाहे 100 हाथी कुदा दो तुम, बाउंस मार जाएंगे वो, पर ये नहीं खुल सकता। देख रहे हो अंडरग्राउंड है, फुल बंकर, यहाँ पे सारा सप्लाई रखा है। यहाँ पे आग वाग लग जाए तो उसके लिए थोड़ा सामान है, ये ईंटें रखी हैं, और यहाँ से आ जाता है तुम्हारे भाई का पहले तो ऑफिस। इसमें मतलब कि ऑफिस छोटा सा, ये टॉयलेट्स आ जाते हैं और अपने लॉकर्स आ जाते हैं, जैसे जो बंदे काम करते हैं तो उनको भाई सुबह शाम, यार वो भी इंसान है तो उनको भी जाना पड़ता है एक नंबर दो नंबर। और अपना सामान, कपड़े वपड़े, अगर किसी ने यहाँ पे लड़ाई हो जाए, कपड़े वपड़े फाड़ दिए एक दूसरे के, तो भाई कपड़े भी रखे हुए हैं ठीक। और बाकी अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इन पे काम नहीं है, मैंने क्या बोलते हैं स्टॉक नहीं मंगा रखा ठीक। इन्होंने जितना भी सामान था वो सारा बना के रख दिया। और ये देखो यहाँ तो इसके चौमिन चल लिया भाई साहब, पानी का आर ओ आर ओ। यहाँ पे तुम्हारा भाई बैठता फुल पैसे गिनता, अंधे ठीक है, अंधा पैसा छापता तुम्हारा भाई। यहाँ पे चलता है वेपन्स का काम ठीक है, दो नंबर तुम्हारा भाई फुल दो नंबर ही काम करता है ठीक है। और यहाँ से भी देख लो भाई, इसका लंच चल रहा है यहाँ पे भाई, जल्दी लंच कर ले और फिर काम वाम भी कर ले। यहाँ पे आ जाता है कॉफ़ी का और कोक का, जिसको कोक पीने वो कोक पी लो, जिसकी नींद उड़ानी है वो कॉफ़ी पी लो ठीक है। तो हमने तो एक कोला पी है। और भाई ये लाल वाले कोला वाले से मतलब कि ये ग्रीन वाली कहाँ से निकल लिया, मेरे को ये समझाओ को। ये लो भाई, मेरा गुस्सा चढ़ गया, मैंने पी के फेंक मारी, इतना गंदा स्वाद था उसका भाई, क्या बनला रखा है उसमें कोई ना। और ये अपना मशीन है, मतलब कि इसमें खटका दबाओ, एक तरफ से क्या बोलते हैं लोहा घुसेगा, दूसरी तरफ से AK-47 बन के निकलेगी ठीक है। निकलते हैं अब यहाँ से भी। और गाइज आज की वीडियो में बस मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, अभी मैं जीटे में गरीब हूँ। अगर कोई से भी सजेशन हो तो मेरे को आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।